सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। सभी वर्गों के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी अशफाक अहमद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें दोनों वर्गों का सम्मान रखा गया है। सभी लोग फैसले को स्वीकार करें। जिस फैसले पर दुनिया की नज़र टिकी हुई थी, जिस फैसले पर देश की नज़र टिकी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। हमारे बीच में पूर्व पुलिस अधिकारी और समाज सेवा, मुस्लिम समाज के साथ साथ सभी वर्गों में बड़ी पैठ रखने वाले अशफाक अहमद जी मौजूद हैं। अशफाक अहमद जी से हम जानना चाहेंगे, जो फैसला आया, इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई फैसला नहीं हो सकता है। ये ऐसा फैसला है कि सभी जनमानस के व्यक्तियों को इसकी कदर करना चाहिए, और उन्होंने बहुत सूझबूझ से ये फैसला दिया है, और इसमें मुस्लिम समाज की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। उन्होंने जहाँ रामलला विराजमान है वो मंदिर पक्ष के लिए ये निर्णय दिया है, और साथ ही साथ में 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में मुस्लिम पक्ष को दी गई है, जिससे दोनों पक्ष सेटिस्फाई हो जाएं। और मैं समझता हूँ इस फैसले की कदर सभी लोग करेंगे, हर धर्म के लोग करेंगे, हर मज़हब के लोग करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक भाईचारे का देश है। इसमें सभी समुदाय के लोग मिलजुल करके रहते हैं और एक साथ सारे कारोबार करते हैं, सारे त्यौहारों को मनाते हैं, उनमें आपस में किसी तरह का टकराव नहीं है। और इस फैसले से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, पूरा हिंदुस्तान बहुत खुश है और इस फैसले को मानने के लिए लोग बिल्कुल तैयार हैं। तमाम सारी अटकलें अभी लगाई जा रही थी, लेकिन फैसला जैसे जैसे धीरे धीरे आने लगा और कहीं ना कहीं देश भर में ऐसा लगने लगा था कि सभी लोग सहमत हो पाएंगे। इस फैसले से मैं समझता हूँ कि सभी लोग सहमत हैं, चाहे हिंदू वर्ग के लोग हों, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हों, दोनों वर्गों का भावनाओं का विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ख्याल रखा गया है। ये बात सच है, उन्होंने जो दलीलें दी हैं, दलीलों के आधार पर रामलला जहाँ विराजमान है उसका पुख्ता सबूत मिला है, इसलिए वो सारी ज़मीन रामलला विराजमान के पक्ष में की गई है। और मुस्लिम समाज किसी तरह से नाखुश ना हो, उसकी भावनाओं का कदर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार मुस्लिम समाज के मस्जिद के लिए 5 एकड़ की ज़मीन अयोध्या में कहीं भी दे। ऐसा भी किया जा सकता है कि हिंदू मिलकर ही मस्जिद का निर्माण करें, अनूठी मिसाल दुनिया के अंदर जाए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, सभी भाई भाई हैं, मुसलमान को भी चाहिए कि मंदिर का निर्माण जब भी हो वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और हिंदू समाज को चाहिए जहाँ भी मुस्लिम समाज को 5 एकड़ की ज़मीन दी जा रही है तो वो समाज भी मिलजुल करके इसमें हिस्सा ले, जिससे आगे चलकर आपकी सद्भावना बनी रहेगी। बड़ी बात आपने कही है कि जब मंदिर का निर्माण हो तो मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए, और जब मस्जिद का निर्माण हो और हिंदू समाज को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि ये देश और मजबूत हो सके। हिंदुस्तान की पुरानी संस्कृति को आप देख लीजिए, आदिकाल से लेकर अब तक यहाँ पर कोई एक वर्ग विशेष का कब्जा नहीं रहा है, सारे धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, आज भी रह रहे हैं, और सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, तो आपस में ना इत्तेफाकी किस बात की? ऐसा है कि देखिए, हिंदू धर्म अपना रहा है, मुस्लिम अपना अपना रहा है, सिख अपना अपना रहा है, ईसाई अपना अपना है, सब धर्मों का जो निचोड़ है वो एक ही है, वो निचोड़ है भाईचारा। बड़ी बात, पूर्व पुलिस ऑफिसर और समाज के हर वर्ग में पैठ रखने वाले अशफाक अहमद जी का मानना है कि शानदार फैसला आया है और फैसले को सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। जब मंदिर का निर्माण हो तो मुस्लिमों को उस निर्माण में आगे आना चाहिए, और जब मस्जिद का निर्माण शुरू हो तो हिंदुओं को आगे आना चाहिए। ये देश सभी का है, सभी धर्मों के लोग इस देश में आस्था रखते हैं, और हम सभी का भी कर्तव्य बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को माना जाए, जिससे इस देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।